सो इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे एक्यूट किडनी फेलियर के क्लासिफिकेशन के लिए, एक्यूट किडनी इंजरी के एकेआई के क्लासिफिकेशन के लिए केडिगो क्राइटेरिया क्या होता है, उस केडिगो क्राइटेरिया के रिगार्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि करंटली इसको एक्यूट किडनी इंजरी के क्लासिफिकेशन में काम में लेते हैं। हालांकि उसके बाद भी कुछ क्राइटेरियाज कुछ क्लासिफिकेशन आए हैं लेकिन इसको काफी यूज करते हैं। केडिगो क्राइटेरियाज केडिगो क्लासिफिकेशन, और ये जो केडिगो क्लासिफिकेशन या केडिगो क्राइटेरियाज जो हैं वो अपन यूज करते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के एकेआई के स्टेजिंग के लिए। किसके? एकेआई की स्टेजिंग के लिए। एकेआई जो होता है एक्यूट किडनी इंजरी होती है उसमें स्टेजेस डिसाइड करने के लिए, तीन स्टेजेस डिसाइड करते हैं इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। केडिगो मीन्स होता है जो के होता है ना उसके का मीन्स है किडनी और डी का मीन्स है डिजीज, डी मीन्स डिजीज एंड आई मीन्स देर इज ए इंप्रूविंग, देर इज ए इंप्रूविंग एंड जी मीन्स ग्लोबली, ऑल ग्लोब ग्लोबली एंड ओ मीन्स आउटकम्स, ओ मीन्स देर इज आउटकम्स। सो देर इज ए दैट इज ए टाइप ऑफ यूनियन दैट डिसाइडेड एज ए क्लासिफिकेशन ऑफ एकेआई। सो किडनी डिजीज इंप्रूविंग ग्लोबली आउटकम्स हैज डिसाइडेड ए स्टेजिंग ऑफ एकेआई। देन व्हाट इज दिस स्टेजिंग वी नो। अब स्टेजिंग कौन कौन सी होती है उनको जानते हैं एक बार। देखिए इसके अकॉर्डिंग, इस केडिगो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बच्चों अपन जो डिसाइड करते हैं किडनी की स्टेजिंग, देर इज ए थ्री स्टेजेस। कितनी है जो स्टेजेस एकेआई की अपन डिसाइड करते हैं, इसकी टोटल तीन स्टेजेस हैं, स्टेज वन एंड स्टेज टू एंड देर इज ए स्टेज थ्री। एकेआई की ये तीन स्टेजेस, एकेआई की कितने स्टेजेस डिसाइड करते हैं बच्चों, तीन। किसके हिसाब से? केडिगो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। सो स्टेज वन स्टेज टू एंड स्टेज थ्री, और इनको डिसाइड करने के लिए यहां पर भी एज ए राइफल क्राइटेरिया देर इज ए टू पैरामीटर्स। राइफल क्राइटेरिया में भी दो पैरामीटर होता है, इसमें भी दो पैरामीटर है। सेम देर इज ए वन पैरामीटर इज सीरम क्रिएटिनिन लेवल। कौन सा? सीरम क्रिएटिनिन लेवल। एंड सेकंड वन इज यूरिन आउटपुट, पेशेंट का क्या यूरिन आउटपुट, पेशेंट का यूरिन आउटपुट, देर इज ए टू पैरामीटर्स। सीरम क्रिएटिनिन की बात करें तो स्टेज वन के अंदर सीरम क्रिएटिनिन का जो वैल्यू है वो 1.5 से लेकर के 1.9 टाइम्स टाइम्स इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम बेसलाइन, फ्रॉम बेसलाइन। यदि क्रिएटिनिन का लेवल, जो क्रिएटिनिन नॉर्म पहले था, जो बेसलाइन क्रिएटिनिन था, उस बेसलाइन क्रिएटिनिन का 1.5 से लेकर के 1.9 टाइम्स, 1.5 से लेकर के 1.9 गुना क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाना बेसलाइन से, दैट विल बी कंसिडर्ड इन ए स्टेज फर्स्ट एकेआई, स्टेज फर्स्ट एकेआई। एंड सेकंड वन इज यदि क्रिएटिनिन का लेवल 2 से लेकर के 2 2 से लेकर के 2 से लेकर के 2.9 टाइम्स, 2.9 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, कहां से? फ्रॉम बेसलाइन, फ्रॉम बेसलाइन। बेसलाइन से कितना इंक्रीज हो जाए? बेसलाइन से, उस बेसलाइन से 2 से लेकर के 2.9 टाइम्स, 2 से लेकर के 2.9 गुना क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाए बेसलाइन से, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए स्टेज सेकेंड। एंड थर्ड वन इज स्टेज थर्ड, दैट इज व्हेन क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज। कितना? बेसलाइन से 3 गुना या 3 से ज्यादा गुना क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाए। सो व्हेन क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज 3 टाइम्स फ्रॉम बेसलाइन, थ्री टाइम्स इंक्रीज फ्रॉम बेसलाइन, फ्रॉम बेसलाइन, बेसलाइन। इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि जब क्रिएटिनिन का लेवल, व्हेन क्रिएटिनिन लेवल रीच टू मोर देन 4 mg/dL, ये भी याद रखना। सो यदि क्रिएटिनिन का लेवल 4 mg/dL हो गया एट दैट टाइम, इट विल बी कंसिडर्ड एज ए स्टेज थ्री। स्टेज थ्री के अंदर दो चीजें याद रखनी है कि यदि क्रिएटिनिन का लेवल 3 गुना बढ़ जाए बेसलाइन से, या फिर क्रिएटिनिन का लेवल 4 mg/dL या उससे ऊपर चला जाए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए स्टेज थ्री। देयर इज ए क्रिएटिनिन पैरामीटर, स्टेज देखने के लिए क्रिएटिनिन का पैरामीटर यूज लेते हैं, तो उसके हिसाब से यदि 1.5 से 1.9 टाइम्स क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाए बेसलाइन से, स्टेज वन, स्टेज टू, टू से लेकर के 2.9
टाइम्स इंक्रीज हो जाए क्रिएटिनिन का लेवल बेसलाइन से, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, देयर इज ए थ्री टाइम्स क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाए बेसलाइन से, तीन गुना इंक्रीज हो जाए, और या फिर 4 mg/dL या उससे ज्यादा क्रिएटिनिन का लेवल चला जाए, स्टेज थ्री कंसिडर करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज यूरिन आउटपुट। सो यूरिन आउटपुट के अकॉर्डिंग यदि स्टेजेस डिसाइड करें तो एज राइफल क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, जैसे राइफल क्राइटेरिया है उसके अंदर जैसा है वैसा का वैसा इसमें बेपिन डिसाइड करता है। सो व्हेन इफ यूरिन आउटपुट लेस देन 0.5 ml पर kg पर आवर, पर kg पर आवर, 0.5 ml से कम हो जाए यूरिन आउटपुट पर kg पर आवर के हिसाब से, और वो भी कितना टाइम्स के लिए, कितना टाइम के लिए, 4, 6 to 12 hours, वो भी कितना टाइम के लिए, 6 घंटे या 6 से 12 घंटे के लिए इतना ही यूरिन आउटपुट कंटिन्यूसली रहे, सो ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज दूसरा, यदि यूरिन आउटपुट लेस देन 0.5 ml पर kg पर आर हो, और वो भी कितना टाइम के लिए, मोर देन 12 आवर्स, कितना टाइम के लिए, मोर देन 12 आवर्स, दो 12 घंटा या 12 घंटे से ज्यादा रह जाए ये क्रेटर, तो क्या मानेंगे उसको, दैट इज स्टेज सेकेंड। स्टेज थर्ड इज वेन यूरिन आउटपुट लेस देन 0.3 ml पर kg पर आर, और वो भी 4 कितना टाइम के लिए, 4 मोर देन 24 आवर, या फिर एन यूरिया, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, एन यूरिया, यू नो व्हाट इज एन यूरिया, अब्सेंस ऑफ यूरिन, एन यूरिया मोर देन, सॉरी लेस देन 100 ml पर 24 आवर यूरिन, एन यूरिया, या फिर एन यूरिया रह जाए कितना टाइम के लिए, 12 घंटे के लिए, और एन यूरिया फॉर 12 आवर्स। तो स्टेज थ्री के अंदर यहां पर भी दो चीजें याद रखनी, स्टेज थ्री के अंदर यदि स्टेज थ्री कब बोलेंगे, यदि यूरिन आउटपुट 0.3 ml पर kg पर आवर से कम हो जाए 24 आवर के लिए या उससे ज्यादा टाइम के लिए, साथ ही या फिर दोनों में से एक माननी, और एन यूरिया हो जाए 12 आवर के लिए, दैट विल बी